टीचिंग और असेसमेंट एक दूसरे के पूरक हैं। टीचिंग हमारी तभी महत्वपूर्ण है जब हम विद्यार्थियों के लेवल को ये जानने का प्रयास करें कि कितना सीख लिए हैं और कितना उनको सीखना है। ये बात कहाँ पर निर्भर करती है? जब उनका हम असेसमेंट करते हैं। ध्यान दीजिएगा, असेसमेंट से पहले टीचिंग कंपलसरी है और टीचिंग के बाद असेसमेंट कंपलसरी है। यदि हम असेसमेंट नहीं करते हैं तो टीचिंग का कोई महत्व नहीं है। जैसे मान लीजिए कुछ हम पढ़ाए कक्षा में, पढ़ाने के बाद हम विद्यार्थियों का आकलन करें कि उनका सीखने का स्तर क्या हो चुका है और क्या आगे उनको सीखने की आवश्यकता है। एनईपी के अनुसार हमारी टीचिंग किस पर केंद्रित होनी चाहिए? शिक्षार्थी केंद्रित होनी चाहिए, जिसको कि इंग्लिश में क्या बोलते हैं, स्टूडेंट सेंट्रिक। हमारी मेथोडोलॉजी किस पर होनी चाहिए? स्टूडेंट सेंट्रिक, शिक्षार्थी केंद्रित होनी चाहिए। अर्थात हमारी स्कूल में हमारे विद्यार्थियों का जो स्तर है, जो लेवल है, वहां से हम प्रारंभ करें और वहां से प्रारंभ करते करते उनको जो हमारा येलोज क्लास फर्स्ट और सेकंड का निर्धारित है उस तक ले जाए। येलो की यदि हम बात करेंगे तो येलो क्या है? लर्निंग आउटकम्स है। लर्निंग आउटकम्स किसे कहते हैं? इट इज द टारगेट ऑफ टीचिंग। कक्षा में जब हम जाते हैं कुछ भी पढ़ाने के लिए तो हमारे माइंड सेट हमारा होना चाहिए कि हम क्या सिखाने वाले हैं, अर्थात निश्चित विषय वस्तु के साथ निश्चित समय तक हम जो कुछ भी उनको बता रहे हैं, इसके बाद किनको कितना समझ में आया यह देखने के लिए असेसमेंट करते हैं। तो एक तो हमारा डेली असेसमेंट होगा। डेली असेसमेंट में पढ़ाते पढ़ाते हम उनका आकलन करते हैं। यह आकलन किस पर हो सकता है? एक तो अवलोकन पर हो सकता है, उनसे संवाद पर आधारित हो सकता है। मान लीजिए कि हम पढ़ा रहे हैं, पढ़ाते पढ़ाते जो कुछ भी उनसे पूछते हैं, पूछते इसलिए हैं, उसका दो उद्देश्य है। एक तो एंगेजमेंट करने के लिए, एंगेज हो जाए कक्षा में, उनका पूरी तरह से ध्यान रहे। दूसरी बात यह है कि उससे हम ये पता लगा लें कि जो हम समझा रहे हैं अपने विद्यार्थियों को, कितना उनको समझ में आ गया है, क्या समझ में नहीं आया है, और जो समझ में नहीं आया उसके पीछे रीजन क्या है, कितना, क्या और फिर कैसे हम उसको समझाएं। यदि इतनी बात हम कर लेते हैं तो हमारी टीचिंग सबसे अच्छी होगी। कक्षा में इंग्लिश को लेकर के हम ध्यान दें कि हमारा जो सीक्वेंस है एल एस आर डब्ल्यू, इस पर बेस्ड होना चाहिए। होता यह है हमारे विद्यालय में कि हम अपोजिट जो है तो हम अपने कार्य को करते हैं, पहले राइटिंग पर ज्यादा काम कराते हैं, फिर रीडिंग होती है, स्पीकिंग हमारी जीरो होती है, और जब हम टीचर होकर के इंग्लिश के शब्दों का प्रयोग नहीं करते हैं तो विद्यार्थी नहीं सुनेंगे। और भाषा के लिए जो जैसा सुनता है वैसा बोलता है, और यदि वह नहीं सुनता है तो नहीं बोले। यदि जन्म के बाद एक विद्यार्थी अथवा किसी भी छोटे से बालक को हम कहीं दूर ले जाएं दूसरी जगह पर और उसको वहां छोड़ दें, तो वहां के परिवेश की जो भाषा होगी वह सुन करके उसी तरह से बोलना प्रारंभ करेगा। अर्थात प्रारंभ में जब विद्यार्थी सीखता है अथवा छोटे बच्चे सीखते हैं, स्पेशली लैंग्वेज की बात मैं कर रहा हूं, तो सुन करके और अवलोकन करके सीखते हैं। जैसे घर में हम ये तो नहीं सिखाते हैं कि बेटा ये गाय है अच्छे से याद कर लो, ये बैल है याद कर लो, इसका नाम लोटा है, चारपाई है, थाली है, किवाड़ है, दरवाजा है, माता है, पिता है। क्या कभी हम ऐसा याद कराए हैं? लेकिन दो वर्ष तीन वर्ष तक आते आते वह लगभग 5,000 से 6,000 शब्दावली उसके दिमाग में आ जाती है परिवेश से, बिना सिखाए हिंदी के शब्दों को सीख जाता है। जब वह स्कूल में आता है तो फर्स्ट लैंग्वेज इज द मदर टंग एंड इंग्लिश इज द सेकंड लैंग्वेज, एंड वह उससे परिचित नहीं होता है अंग्रेजी से। सो टोटल ऑनस फॉल्स ऑन द टीचर टू लर्न देम दिस लैंग्वेज प्रॉपरली। उनको प्रॉपरली उचित ढंग से सिखाने के लिए आवश्यकता होती है, और यह केवल कर सकते हैं शिक्षक, क्योंकि परिवेश उनके माता पिता तो जानते नहीं हैं। तो एक शिक्षक की भूमिका सबसे अच्छी होती है। कक्षा में शिक्षक की भूमिका क्या हो सकती है? हमारी भूमिका कक्षा में सबसे अच्छी यह होगी
कि हमारे कारण, शिक्षक के कारण विद्यार्थियों में पढ़ने की रुचि जागृत हो जाए। लिखा तो सब कुछ किताब में है, बहुत सारे मैटर हमारे YouTube में है और सारे माध्यम हैं सिखाने के, लेकिन शिक्षक का महत्व कक्षा में यह है कि हमारे कारण, शिक्षक के कारण विद्यार्थियों में रुचि उत्पन्न होती है। डॉक्टर विकास दिव्यकीर्ति UPSC कोचिंग कराते हैं, उनका एक इंटरव्यू है जिसमें बता रहे थे कि कक्षा 9वीं तक अंग्रेजी विषय उनकी सबसे ज्यादा कमजोर थी, जब कक्षा 10वीं में पहुंचते हैं तो उनके स्कूल में एक शिक्षक आते हैं जो बहुत अच्छी अंग्रेजी पढ़ाना प्रारंभ किए। बहुत अच्छे से तात्पर्य यह नहीं है कि बहुत स्टैंडर्ड उनकी जो है तो भाषा थी, कितना सरल ढंग से हम समझाना शुरू करते हैं। एक शिक्षक की सबसे अच्छी क्वालिटी यह है कि किसी भी विषय वस्तु को, कठिन से कठिन टॉपिक को, कंटेंट को हम सरल ढंग से यदि हम बताएं, बहुत सरल ढंग से, और ये कब होगा जब हम असेसमेंट अपनी कक्षा का कर लेंगे कि आपका लेवल क्या है। जैसे मान लीजिए कि रुचिकर था उनके जमाने में टेंस, तो जो शिक्षक नहीं आए तो बहुत अच्छी तरह टेंस बता दिए। टेंस में कुछ नहीं है, सेंटेंस का जो सिंटेक्स होता है, सिंटेक्स को समझने की आवश्यकता होती है। जैसे कि राम स्कूल जाता है, मोहन पुस्तक पढ़ता है, तो हिंदी के वाक्यों में देखते हैं कि सबसे लास्ट में वर्ब आती है और इंग्लिश में सब्जेक्ट के बाद वर्ब आ जाता है, वर्ब के पहले हेल्पिंग वर्ब आ जाता है, तो थोड़ा सा हमारा स्ट्रक्चर क्या हुआ, चेंज हो गया। ऐसे हम मानता हूं कक्षा 1-2 के बच्चों को, इसीलिए जब ग्रामर से हम, जैसे हमारी जो विधा ये थी, ट्रेडिशन ये था कि जब हम भाषा को सीखे हैं तो अभी भी हमारे मन में चल रहा है कि जब तक हम टेंस नहीं सीखेंगे, जब तक वॉइस नरेशन नहीं आएगा तो हम भाषा नहीं सीख सकते हैं। लेकिन ऐसा मानना है कि बिना ग्रामर के, बिना व्याकरण के भाषा का अध्यापन हम प्रारंभ कर दें सरलतम ढंग से और रुचिकर बना दें, और हमारा विद्यार्थी धीरे धीरे सुने, धीरे धीरे आत्मसात करे, तो पहली चीज तो यह है कि शिक्षक के द्वारा सेंटेंसेस बोले जाएं, शब्दों का प्रयोग किया जाए, कम इन, गो आउट, सिट डाउन, स्टैंड अप, प्लीज गिव मी योर बुक, है ना, राइट इट, प्लीज राइट इट, इसको लिखिए। जब हम रोज बोलेंगे कि लिखिए कॉपी में, राइट इट, नोट डाउन, तो ऐसा लगेगा विद्यार्थी उसे समझ जाएगा कि इसका अर्थ यह है, जब ये कह रहे हैं तो इसका अर्थ ये निकलेगा। इसी तरह से यदि हम एक माहौल पैदा करें, और कैसे करेंगे, छोटी छोटी एक्टिविटी कर सकते हैं, जैसे कि मान लीजिए कि राइमिंग सबसे सरल होती है और विद्यार्थी को याद बहुत जल्दी होता है। एक स्कूल के शिक्षक बता रहे थे कि हमारे स्कूल के ऐसे छात्र हो गए हैं, सब कुछ समाहित है उनके कहने में, कि आप उनको खड़े करेंगे विद्यार्थियों को, तो अधिकांश विद्यार्थी ऐसे सुनाने लगते हैं पूरे पाठ को जैसे आप किताब खोल करके देख लीजिए, पहली बात। दूसरी चीज ये बताए कि अभी परिवर्तन केवल 1-1.5 साल से हुआ है, क्यों, क्योंकि एक शिक्षक आए हैं बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। जैसे प्रेयर कराते हैं, प्रेयर में, प्रेयर करने के बाद वह शक्ति हमें, हे शारदे मां इत्यादि के बाद एक कविता हम रख देते हैं कि इसको हम करवाएंगे, कक्षा 1, 2, 3, 4, 5 कोई भी कविता ले लीजिए, रोज हमारे बच्चे उसको रिपीट करेंगे, बोलेंगे, पहले जो है तो इसको फोल्डिंग माध्यम से आप सुनाइए, फिर आप बच्चों के साथ बोलिए, धीरे धीरे उन्हीं बच्चों में से 3-4 बच्चे, हर स्कूल में, कोई ऐसा स्कूल नहीं है जिसमें 3-4 बच्चे अच्छे तेज न हो, यदि उनको पढ़ाया बहुत अच्छे विद्यार्थी निकलेंगे, उनको आप फ्रंट में लाइए और उनसे बुलवाइए, यदि रोज बोलेंगे 15 दिन 20 दिन 25 दिन तो उसकी 4 पंक्ति बुलवाते हैं, 6 पंक्ति, 2 पंक्ति सीखेंगे, नहीं सीखेंगे, नहीं बताइए, ये संभव है, संभव है, संभव है, और संभव इसलिए है, आपको यदि लगता होगा कि असंभव है, नहीं कर सकते हैं, आप करके देख लीजिए, स्मरण शक्ति अच्छी होती है मेमोरी बच्चों की, आप बार बार रिपीट करवाएंगे तो सीख लेंगे, और जब सीख लेंगे, सीखेंगे कैसे, लिसनिंग के द्वारा और स्पीकिंग के द्वारा, बार बार उसको बोलेंगे, तब उनको क्या होगा, उनको शौक उत्पन्न होगा, कोई नई भाषा जब उनके मुंह से निकलेगी। आप ऐसे कराइए, जब छुट्टी होती है तो आप उनके साथ गाते हुए 50 मीटर तक चले जाइए, एक इंग्लिश की पोएम, बहुत छोटा सा बिल्कुल एक्टिविटी है, आप जब 4:30 बजे छुट्टी करते हैं, एक इंग्लिश की पोएम आप बच्चों के साथ गाते हुए निकलिए,
तब तक निकलिए जब तक वो हैबिचुअल न हो जाए, फिर धीरे धीरे उनको छोड़ दीजिए, उनको बोलिए कि गाते हुए जाना है अपने घर तक। 30 बच्चे हैं, 30 बच्चे में से 10 बच्चे करेंगे, 5 बच्चे करेंगे, लेकिन आपकी छवि देखिएगा धीरे धीरे इंक्रीज होगी, अच्छी होगी समाज में, सोसाइटी में। आप घर में बोलिए, घर में तेज तेज से बोल करके इंग्लिश पढ़ें, जितना आप सिखाए हैं। लिसनिंग के लिए स्पीकिंग जरूरी है आपके द्वारा, शब्दों को बोलिए, धीरे धीरे सिखाइए। जैसे मान लीजिए कि कक्षा एक की किताब में है एक लेसन है, और उसमें दिया हुआ है अपने रिलेटिव्स के बारे में, घर के सदस्यों के बारे में, फादर है, मदर है, ग्रैंड फादर है, ग्रैंड मदर है, ये आपको पढ़ाना है। अब एक तो टेक्निक आप सोचते होंगे कि मैं, या फिर THER फादर मींस पिता, या मो TH मदर मींस माता, मैं लिखूं, बच्चों को बोलूं कॉपी इट, इसको उतारो और इसको याद करो, ये रोचक विधि नहीं है। हम बैठ जाएं, उनसे बात करें कि आपके पिता का नाम क्या है, आपकी माता का नाम क्या है, फिर आपके फादर का नाम क्या है। तो जब सेंटेंस में आपके पिता का नाम, आपके फादर का नाम, तो वहां पर वो ऑब्जर्व करेगा कि ये सेंटेंस चेंज कर रहे हैं, इसका अर्थ ये होगा। 2-3 घंटे आप संवाद करिए, वार्तालाप करिए, धीरे धीरे सीख जाएंगे। तो कम से कम पहले तो हम, इसीलिए लिसनिंग स्पीकिंग में रीडिंग राइटिंग कंपलसरी नहीं है, ध्यान दीजिएगा, सबसे इंपॉर्टेंट है इंग्लिश की टीचिंग में कि हम हमेशा फोकस करते हैं कि किताब खोल करके पढ़ो और इसको उतारो, और लिसनिंग स्पीकिंग बिल्कुल जीरो रखते हैं। वो मौखिक समझ जाए कि फादर का अर्थ पिता होता है, ग्रैंड फादर का अर्थ दादा होता है, ग्रैंड मदर दादी होती है, फैमिली का अर्थ परिवार होता है, बिना पढ़े और बिना लिखे। तो शब्दों से परिचित होगा, और जब शब्दों से परिचित होगा तो भाषा से परिचित हो रहा है, भाषा उसको सरल लगेगी, भाषा उसको आत्मसात होगी। और ये मैं देख रहा हूं कि हमारे विद्यालय में ये गतिविधियां कम होती हैं। दूसरी चीज ये है कि जैसे हिंदी की गतिविधि आप कराते हैं तो लिखना सिखाते हैं, हम बोर्ड पर कह सकते हैं एक एक विद्यार्थी को कि आकर के अपना नाम लिखें, यहां पर हर विद्यार्थी कम से कम अपना नाम तो सही सही लिखेगा, उससे पढ़ते बनता है, लिखते बनता है, अलग बात है कि बनता है कि नहीं बनता है, अपना नाम लिखेगा। जब वो लिखेगा तो सभी बच्चों के नाम बोर्ड पर सही लिख जाएंगे, असेसमेंट इसमें यह भी हो जाएगा अपना नाम लिखते बनता है कि नहीं बनता है। अब इसको इंग्लिश में कैसे हम ले आएंगे, बिगिनिंग लेटर सिखा सकते हैं, जैसे रमेश से शुरू हो रहा है तो आर इसका पार्लर लेटर लिखिए, सोहन में यस लिखिए, प्रीति है तो पी लिखिए, एक एक लेटर पूरा न बनाए क्योंकि स्पेलिंग क्या होगी। ये स्टेप्स हैं, अभी उनको पता, जैसे एक ही दिन हम उनको सिखाएंगे क का की स्पेलिंग होती है KIKEE KU, तो उनको पूरा लगेगा कि यार बहुत कठिन है। अब वो कहां समझ रहे हैं कि हमारे बिगिनिंग लेटर्स कौन कौन से, कैसे प्रारंभ होते हैं, कैसे बनते हैं। इसी में हम गिनवा सकते हैं कि यस से कितने हमारे यहां पर नाम हो गए, पी से क्या हो गए। कहने का मतलब यह है कि हमको कक्षा में पूरे मन के साथ यदि हम टीचिंग करेंगे तो उसका कुछ परिणाम निकलेगा, और निश्चित उद्देश्य, जैसे हमारा उद्देश्य ये हो जाए कि पार्ट्स ऑफ बॉडी सिखाना है, पार्ट्स ऑफ बॉडी के लिए आप 2 घंटे निर्धारित कर लें और सभी बच्चों को लेकर के विभिन्न गतिविधियों के माध्यम से, इसके फोल्डिंग हो, यूनिवर्सल डिजाइन लर्निंग हो, TPR हो, टोटल फिक्सल रिस्पांस हो, सब यूज करिए, जिस तरह से सीखे उस तरह से उनका प्रयोग करिए, पहले उनको हम करके बता दें, दिखा दें, है ना, दूसरे को छू करके बताए। अब अभी आप सोचते हो केवल अपना ही छू करके बताएंगे, सामने वाले बच्चे को बोल दें कि इसके जो है तो स्पर्श करो और बताओ, नोज है, नोज बोलेगा, माउथ बोलेगा, टीथ बोलेगा, हैंड बोलेगा, आप करके तो देखिए, विभिन्न तरीके आपको निकलेंगे। अभी हमको जो शिक्षक संदर्शिका मिली हुई है FLN के अंतर्गत, तो हमारा लेसन प्लान है, दैनिक पाठ योजना है, और उसके अनुसार निर्देश है कि इनको प्रतिदिन कक्षा में कराना है। जैसे अभी आप आए हैं, आज अक्टूबर का 1st डे है, 1 अक्टूबर है, तो 3 महीने पढ़ाई हो चुकी है, अभी 2 दिन से प्रशिक्षण में। आप किस सप्ताह के कौन से दिन को भी पढ़ा करके आए अपने विद्यालय में? अभी जब आप ट्रेनिंग में आए हैं, इसके पहले कौन से सप्ताह के कौन से दिवस को पढ़ा करके आए?
है पता क्या, पढ़ा के आते तो याद रहता किस चीज में पढ़ा करके आया। सिंपल सा जो हम अपने दिमाग के माइंड सेट किए हैं कि इनको एबीसीडी पढ़ाना है और ऐसे ही पढ़ाना है, इसलिए जो है तो दक्षता उनमें नहीं विकसित हो रही है, नहीं आ रहा है। कम से कम एक सप्ताह का हम पूरा लेसन प्लान पढ़ लें, मैं तो कहता हूं कि इस वीक में मुझे क्या सिखाना है और उसको आप समराइज कर लीजिए, लिख लीजिए कि हमारा उद्देश्य क्या है सिखाने का, और उस पर हम डेली जो है तो कुछ काम करें। मैं नहीं कहता हूं कि 10:30 से 4:30 तक लगातार आप पढ़ाइए, हमारे विभाग का कहना है, लेकिन उस उद्देश्य के साथ आप एक्टिविटी कराइए, सिखाइए, सिखा करके देखिए तो निश्चित उसका परिणाम आएगा। रीडिंग कराइए बार बार, किताब को हम खोल लिए, हम बोले हमारा विद्यार्थी दोहराए, 4 बार 5 बार 10 बार 12 बार करेंगे, निश्चित तौर पर 2-4 विद्यार्थी अच्छे निकलेंगे और वो बोलने लग जाएंगे, पढ़ने लग जाएंगे, और उनको फिर हम मॉनिटर, जैसे हम लोग पढ़ते थे मॉनिटर कक्षा के होते थे सब्जेक्ट के, तो उनका सहारा लेकर के, है ना। और ये मेथोडोलॉजी में भी है, पहले हम समूह में बात करें, फिर छोटे समूहों में बात करें। शीर्षक है द क्लीवर मंकी, एक उसमें स्टोरी है, 3 पात्र रहते हैं, गोलू मालू कालू। गोलू पेड़ पर था, कालू मालू एक रोटी का टुकड़ा था उसके लिए, दोनों कह रहे थे आई विल ईट इट, आई विल ईट इट। कालू की, कालू बिल्ली कहती है आई विल ईट इट, और मालू भी कहती है आई विल ईट इट। गोलू पेड़ पर से उतरता है, कहता है वेट वेट, दिस इज बिग एंड आई विल मेक इट स्मॉल, ये तो रोटी बहुत बड़ी है, मैं इसको छोटा बना देता हूं। तो ही डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, तो एक भाग क्या होता है, बड़ा होता है, एक भाग छोटा हो जाता है। तो गोलू कहता है ओ दिस पॉट इज वेरी बिग, आई विल मेक इट स्मॉल, और उसको खा जाता है बड़ी भाग को। तो जब खाता है तो वह भाग रोटी का छोटा हो जाता है, ये वाला भाग बड़ा हो जाता है, फिर कहता है ओ दिस पॉट इज वेरी बिग। ऐसे करते करते गोलू ईट्स अ होल रोटी, सभी रोटी खा जाता है पूरा, एंड कालू एंड मालू आर साइड